Hosanna. मजाक कर रहे थे ना, वो सही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे यार, चेहरा देखा है इसने अपना, इसे मेरा सिनार चाहिए। इसने सोचा भी कैसे। हाँ, कहना तो नहीं चाहिए मगर कार्टून जैसी दिखती है। समझती क्या है खुद को। अरे ये क्या है, देखो तो कैसे बाल है। हाय, बेचारी बिल्कुल अखरोट लग रही है। ये क्या है, इसे देखो जरा। अरे देखो तो जरा, बिल्कुल लंगूर लग रही है ये। तौबा तौबा, चलो इसको फॉलो करते हैं ताकि इसे पता चले हुस्न क्या होता है। फॉलो, देखो ये हबीबे, ये तो वही है। हाय देखो, तुम्हारे नाम के साथ दिल भी लगाया हुआ है। जल्दी करो, यहीं 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 ब्लॉक करो इसको, इसका नाम भी नहीं देखना मुझे, जल्दी करो। हाँ, ब्लॉक कर दूं मैं उसे? वो गाय का दूध निकालने की माहिर है तो मैं सोशल मीडिया में माहिर हूँ, ये दिखा दूंगी मैं उसको। अब देखो मैं करती क्या हूँ, देखो। नहीं ऐसी बात नहीं है मेरी जान, तुम कर सकती हो, इतना भी कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ बस गाय जिसका वो खराब हो गया था ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो सिनान। हाँ बताओ जरा, अगर मैं चाहती तो मैं दूध भी निकाल सकती हूँ और सुबह सुबह नाश्ता भी बना सकती हूँ, सब कर सकती हूँ मैं। हो सकता है तुम जितनी देर में दूध निकालती उस वक्त तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता। सिनान, मुझे ना इस वक्त हबीबे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा ना हो कि तुम पर निकल जाए। ठीक है ना, ठीक है, बस तुम्हारा गुस्सा भी क्यूट है। चलो हो जाता हूँ, चलो हम दोनों चलते हैं अब किसी अच्छी सी जगह पर जाकर नाश्ता करते हैं, ठीक है? चलो, तुम तो गुस्से में भी इतनी क्यूट लगती हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई खबर है क्या? किसकी? तुम्हारे भाई तुफैल की। सुनने में आया है कि तुफैल भाई ने उस शख्स के टुकड़े कर दिए हैं। फिर तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे भाई ने मेरी बात भी सुनी और बस चुपचाप उठकर चला गया। अच्छा देखो, हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हों और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। चलो देखते हैं, जब खून बहना होगा तो बहकर ही रहेगा। वाह क्या कहने हैं तुम्हारे मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, बहुत अच्छी बातें करते हो तुम। वो समझ किया करो, समझ गई ना? उफ़ यालन, तंग नहीं करो मुझे। वहाँ भाई ने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम वहाँ मेहमान थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्तांबुल वापस आने के बाद वो तुम्हें आसानी से जाने देंगे। कहीं अगर मुझसे सवाल जवाब किए तो समझ लेना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो गई। तुम अभी ठीक से जानते नहीं हो मेरे भाइयों के गुस्से को। सिनान भाई गुस्से में थे, उन्होंने ऐसी गाड़ी चलाई कि पूरे इस्तांबुल के लोग परेशान हो गए उनसे, क्योंकि गुस्सा एक लड़की पर था उन्हें, लेकिन तुफैल भाई को तुम पर गुस्सा है, तो सोचो अब तुम्हारे साथ। डफने, डरो मत, मैं हूं यहां। तुम साथ दोगे ना? हाँ। Thank you.
देखो तो क्या पहन रखा है, क्या जादूगर है ये। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मुझसे कुछ पैसे लो और अच्छे कपड़े खरीद लो। इसने मुझ पर तंज किया है, इसने मुझ पर तंज किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। वैसे गलत नहीं कहा। क्या? क्या? नहीं, मतलब क्या है? क्या मतलब कि गलत नहीं कहा? एक तो इतने छोटे कपड़े पहने, चलो ठीक है, ऊपर से तस्वीर भी डाल दी तुमने। अच्छा तो तुम अब हबीबे की साइड लेने लगे हो, यानी उसका तंज अब तुम्हें सही भी लगने लगा है मुझ पर। हाँ, वो तुम्हारे लिए गाय का दूध निकालती है, तुम दोनों एक साथ पकड़े गए, फिर उसने मेरी तस्वीर पर तंज किया और तुम उसे ठीक कह रहे हो। तुम दोनों का चल क्या रहा है? ऐसा करती हूँ ना कि मैं बीच में से हट जाती हूँ। हाय, तुम उससे शादी करके एक दुश्मन पैदा कर लो ना। लो भाई, मैं रास्ते से हट गई। तुम दोनों का एक छोटा सा दुश्मन होगा, दोनों हंसी खुशी रहना, मैं एक तरफ हो रही हूँ। हाँ हाँ, और मैं सुकून से अलग हो जाती हूँ। हाँ, लो हट गई, मैं जा रही हूँ। मैं बस बस मैं जा रही हूँ। ये शिम क्या है? अब बस भी करो ना, हद हो गई है। अभी तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाओगी, उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि मैं तुमसे पहले यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। उसके बाद रास्ते में हम दोनों ने गले लग जाना है, और उसके बाद दोबारा हम दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। तो इससे अच्छा है बात को खत्म करो, सुकून से नाश्ता करो, उसके बाद चले जाएंगे हम दोनों। सही कह रहे हो, हम वापस आ जाएंगे ना। हाँ आएंगे ना यशिम। हाँ चलो फिर ठीक है, यानी मुझे जो भी गुस्सा करना है वो मैं यहीं पे रहकर तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे होश उड़ा दूँ। हाँ यही कर लो तुम, तुम्हें जो कुछ भी कहना तुम यहीं बैठकर कह लो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। तौबा यार, हद हो गई है। तो सुनो, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो सेनान। यशिम तुमसे कहा है कि गुस्सा कर लो, ये नहीं कहा कि कुछ भी कह सकती हो तुम। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है। हाय, आप बहुत ही घटिया इंसान है सिनान साहब। वेरी फनी। ये लो, ये उधर भी, रुक जाओ, उधर भी, उधर भी। अरे ये रह गया, अरे ये रह गया ना, अरे ये रह गया। बस करो भाई। अरे क्या यार, मैं तो शर्माने वाली कौन सी बात क्या है? डेफिनेट डाटा देख सकते हैं क्या? मुझे तो ये ठीक लग रहा है। दानिश देखो हॉस्पिटल का काम कहां तक पहुंचा। लगता है अभी तक तुम हैरत में हो। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अभी यकीन दिलाता हूं। दानिश, हाँ, हॉस्पिटल के डेटा के बारे में पूछा है। माफ करना, वो यानी मतलब हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है दानी, आप बताएं क्या अपडेट है। जब आप गए हुए थे हमने बेटा वर्जन को टेस्ट कर लिया था। दानिश सर फारिग हो तो उसे देख सकते हैं। ये मीटिंग खत्म होने के बाद हम दानिया के साथ रिपोर्ट्स देख लेंगे। ठीक है, सब क्लियर हो गया, किसी को कुछ और कहना है क्या? चलें फिर, ठीक है, मीटिंग खत्म होती है। दानिया रिपोर्ट्स देखनी है मगर शिफ्ट खत्म हो गई है, अगर तुम जाना चाहो तो। कोई बड़ी बात नहीं है, काम सबसे पहले खत्म करके जाऊंगी। गुड, 10 मिनट बाद तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ। ठीक है, चलो चलते। ठीक है, चलो साहिल पर चलते हैं। ठीक है दानिश, ये काम तो चलते रहते हैं, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, जाकर एंजॉय करो। हाँ मैं चाहता था तुम लोगों की तरह बाहर जाऊं और महबूबा बाहों में हो, मगर कुछ मिसिंग है। बाहें? तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। हाँ वो तो है। आ जाओ चले।
चलो फिर फिलोसोफर दानिश की बात पर अमल करते हैं। तुमने मुझे याद किया? फिलोसोफर दानिश? ये किसी भी फिलोसोफर से बेहतर है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ बेहतरी दिखाई है। दानिश क्या कर रहे हो यहाँ? वैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने आया हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए आया हूँ मैं। तुम मुझे यहाँ सपोर्ट करने आए हो? हाँ, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। दानिश चलो आओ, करते हैं ड्रामा। चलो तुम्हारा दोस्त नहीं है आज? दानिश सर, आप जरा ये देखिए, मॉनिटरिंग ऑन हो गई है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो सबको ईमेल और टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। खोए खोए लग रहे हैं। बस कुछ सोच रहा था, छोड़ो, कुछ नहीं। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मुझे गलत मत समझिएगा, दरअसल हम सब दोस्त कल बाहर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी अगर आप भी चलें तो अच्छा होगा, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा आपके लिए। शुक्रिया, पर मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। खैर एज़गी, अगर मैं खुद को ना रोक सका तो तुम रोक देना। मैं तुम्हें मतलब दुख नहीं देना चाहता। यार शायद कल रात बाहर वक्त गुजारना अच्छा रहेगा, मतलब मुझे खुद को वक्त देना होगा। ठीक है। तुम ठीक हो मेरी जान? हाँ मेरी जान, बल्कि मैं तो ठीक रह रहे के तंग आ गई हूँ। जफने, अच्छा ठीक हूँ। सारे खौफ को भुला दो प्लीज जफने। कहना आसान होता है बस, करना भी आसान है, यकीन करो मेरा। तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम तो किसी से भी नहीं डरते हो। डरता था। किस चीज से? जैसे कि मुझे डर था तुमसे प्यार ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था प्यार में तकलीफ होती है, और मुझे समझ नहीं आती थी लोग यह तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते हैं। बस यही वजह थी शायद। फिर ये सोच कैसे बदली? तुम्हें लगता था कि प्यार तकलीफ दे है, तो तुमने क्यों किया? मैंने नहीं किया, शायद प्यार पर हमारा इख्तियार नहीं होता। नहीं होता? नहीं। तो तुमने प्यार इसलिए होने दिया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं? बिल्कुल, मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया डेफने, अब जो चाहो करो मेरे साथ। पक्की बात? मैं जो चाहूं करूंगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है ये सब सच हो।
वो आ गए हैं। गुस्से में तो नहीं थे? डरने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया भाई। तो फिर देखो, उस पर गुस्सा ना करना बिल्कुल, वो वैसे ही बहुत डरी हुई है। मेरा इस्तकबाल भी नहीं किया लैला। पहले शक्ल तो अच्छी बनाओ, तभी तो तुम्हारा इस्तकबाल होगा। बाबा। मेरा शेर बेटा। यशम। अरे भाई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी बस। क्या हो रहा है, सब कहाँ है? बालकनी में। हाँ। वो आपसे बात करनी है मुझे कुछ। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आपको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, मगर उस वक्त कुछ ठीक नहीं था, कल रात आप बाहर थे तो मैं नहीं बता पाई ना। यशम बताओ कि बात क्या है। सिनान ने मुझसे शादी का पूछा है और मैंने हाँ कर दी है। अगर आपको एतराज नहीं तो वो बकायदा रिश्ता लेकर आना चाहता है। यशम तुमने फैसला कर लिया है तो मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, भाई यशम, मेरे पीछे मत आना। वो शायद गुस्से में है दादा। इसे क्या हुआ है और तुम सब लोग खामोश क्यों हो? यकीनन कोई खिचड़ी पकाई है तुम दोनों ने मिलके। तुमने क्या होगा यकीनन? दादी जान प्लीज चुप हो जाएं, आप पहले ही सब गड़बड़ हो गई है। हाँ हो रही हूँ खामोश, मगर तुम सब पागल हो गए हो। बताओ क्या हुआ, चलो जल्दी शुरू हो जाओ। ये बताएगी दादी ये। बोलना शुरू करो। बताती हूँ बिल्कुल। शादी पर डांस करने में बहुत मजा आया ना हमें। बताती हूँ तो बात यह है कि यालन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम लोगों को हो क्या गया है? जैसे किसी लाइन में लगे हो, जो नजर आए उसे पकड़ लो। मुझे तो डर है किसी दिन वह बूढ़ा मुझे भी ना पकड़ ले। कुछ ज्यादा हो गया। अगर यालिना रास मुझे ना बताता तो क्या तुम मुझे बताने वाली थी? छुपकर ही सारा काम हो जाता, ठीक कहा ना मैंने? जवाब दो, यू खामोश ना बैठी रहो मेरे सामने। कम से कम उसने मुझे इस काबिल समझा के ये बात बताती। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? क्या करूं तुम्हारे साथ, तुम में से किसकी हड्डियां तोड़ूं मैं पहले? ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको भाई। बताओ कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मेरे सामने सब कुछ बताया, ना मेरी राय ली और ना ही मुझसे पूछा कुछ। और उसने मुझसे कहा कि ये काफी है कि आप जान गए, अब मुझे बताओ कि क्या हैसियत रह गई मेरी?
ठीक है, अगर हम आपको बता देते और आप हमें मना कर देते तो हम क्या करते? भाई हद होती है हर चीज की, हद होती है। अब मैं मजीद आपसे नहीं डरना चाहती हूँ। जैसे जीना चाहती हूँ आखिर वैसे क्यों नहीं जी सकती हूँ मैं? इसमें गलती क्या है? चले अगर कुछ गलत है भी तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो आप उसे भी कबूल करें। मैं अपनी गलतियों से सीख के बढ़ना चाहती हूँ। डेफिने, मैं तुम्हें ऐसी कोई गलती करने नहीं दूंगा। तुम मुझसे डरती हो तो फिर तुम मुझसे डरती रहो। सच ये है कि तुम मुझसे डरती हो डेफिने, और मैं किसी ऐसे शख्स से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। यालिन अरास का मामला यहीं पर खत्म हो गया। सिर्फ आपके ऐसा कह देने से मामला खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं ये बात खत्म नहीं करना चाहती हूँ। भाई 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 रिलैक्स, सिनार छोड़ो मुझे। भाई क्या कर रहे हैं भाई, रिलैक्स हो जाए बस। अब वो कह रही है कि वो किसी को पसंद करती है, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो नहीं समझेगा सिनान। इस इंसान को समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको अपनी ताकत ही प्यारी है। भाई क्या अब भी गुस्सा है? गुस्सा नहीं हूं मेरी जान। तो फिर दुखी है? मुझे भी दुख है कि मैंने आपको दुख दिया। मुझे माफ कर दे, मैं नहीं देना चाहती थी। यशम, देखो मेरी जान, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, मगर ऐसे भी नहीं होता। इतना अचानक इतनी जल्दी फैसला करने की क्या जरूरत थी? मुझे डर है कहीं बाद में दुख ना हो तुम्हें। हम खुश रहेंगे, सच में यकीन करें मेरा। यशिम, तुम्हें प्यार हो गया इसलिए ऐसा सोच रही हो। जब ये प्यार खत्म होगा तब सिर्फ दो लोग रह जाएंगे जिनके दरमियान कुछ भी एक जैसा नहीं। क्या तुम देख नहीं पा रही हो? वैसे इंतजार से क्या बदल जाएगा? हो सकता है कि ये शादी तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो, मगर क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो? और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं होता जो वक्त के साथ प्यार खत्म होने के साथ साथ खुद भी खत्म हो जाए। सबसे अहम यह है कि किसी भी बच्चे को अपनी माँ या बाप को नहीं खोना चाहिए। भाई आपकी बात एक हद तक ठीक है, मगर मैं ऐसा नहीं समझती कि हमारा प्यार कभी भी खत्म होगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, हर प्यार का अंजाम एक सा नहीं होता। यशिम, तुम पहले देख चुकी हो, हर प्यार खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। नहीं होता भाई, नहीं होता। यशिम, हर आगाज का इख्तिताम जरूर होता है, यही दुनिया का उसूल है। हर प्यार खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कहे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या डेफने के लिए भी आपका प्यार खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेरा उसके लिए प्यार खत्म हो जाएगा, वो भी प्यार करना भूल जाएगी। मतलब प्यार खत्म होने पर आप अलग हो जाएंगे, ये करने वाले हैं आप? हमें बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं, हमारी अलहदगी का इम्कान कम है। मैं अब
आप जैसा नहीं सोचती हूँ भाई, मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। मतलब मुझे उसके प्यार की बहुत जरूरत है भाई। वाकई? मैं ये तो नहीं जानता कि मैं ये दुआ करूंगा या नहीं करूंगा, मगर तुमने इतना बता दिया तुम्हें मेरी भी दुआओं की जरूरत रहेगी। वो कैसे? यशम, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। शायद कभी ज्यादा पागल हो जाता हूं, तुम मेरी प्यारी और छोटी बहन हो, मगर अब तुम बड़ी हो गई हो यशम। चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अब तुम वही करोगे जिसमें तुम्हारी अपनी खुशी है। ठीक है, तो फिर क्या आप साथ देंगे? हमेशा। तो फिर मैं सिनान से कब कहूं कि रिश्ता लेकर आ जाए? तुम्हें कब बुलाना है उसे? कल ही, दादा ने भी कह दिया है कि कल ही बुला लो। हद करते हो यार तुम लोग, बुला लो ठीक है। शुक्रिया भाई। खाना बना लिया, सलाद बना लिया और मीठा भी तैयार है। खाने के बाद मैं लोगों को कॉफी बना के पिला दूंगी और उसके बाद वो मेरे वापस मेरा हाथ मांग लेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें तैयार है। लेकिन ये बाबा कहाँ रह गए हैं? वो लोग तो यहाँ पे पहुँचने ही वाले होंगे, और बाबा ही नहीं। अगर बाबा यहाँ नहीं है तो मुझे दुआ कौन देगा? बाबा कहाँ बैठे आप आखिर? वो लोग आने वाले हैं और आप गायब हुए थे। वो नहीं आ रहे, कोई बहाना कर दिया है। तो फैल इस्तांबुल चला गया है। ऐसे कैसे? आपने उनके मांगे बगैर मेरा रिश्ता दे दिया। ऐसे नहीं होता बाबा, कॉफी पिलानी थी मुझे उनको। हबीबे, सोचना तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी माँ पैसे के लिए मुझे छोड़कर भाग गई। क्या बचपन में तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी थी जो मुझे नहीं मालूम? बस करो, चुप हो जाओ। वैसे भी मैं इस्तांबुल जा रहा हूं क्योंकि तुफैल ने हद पार कर दी है। क्या तुफैल भाई हमारे प्यार के बीच में आ गए? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, तुम नहीं बचोगे, याद रखना। उसे प्यार नजर आए, प्यार, बहुत सारा प्यार। आह, लड़का लड़की का मिलाप, पहली नजर वाला प्यार। वो लड़की को ऐसे देखता है कि वो पिघल जाए, इसे अभी प्यार हो जाता है। फिर एक बददिमाग शख्स इनके बीच आ जाता है। खैर, इसे छोड़ो, मुझे कुछ ऐसे फूल चाहिए जिनसे प्यार जाहिर हो, ठीक है ना? पापा, अगर आप कहें तो लाल गुलाब भेज दूं मैं। पहली बात ये कि आपा होंगी तुम्हारी नानी, और तुम्हें क्या लगा मुझे लाल गुलाबों के बारे में कुछ नहीं पता होगा? हम लोग रिश्ता लेने जा रहे हैं। रखो फोन, तुम रखो फौरन फोन, मैं किसी और को देखती हूँ। ये फूल वाला तो मुझे कहीं से नहीं लगा, कुछ और ही लग रहा था। फूल वाले तो बहुत रोमांटिक होते हैं, इसे तो प्यार का मतलब समझाना पड़ रहा था। दादी जान कहाँ जा रही है? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तंग आ गई हूँ। एक को काली भेड़ पसंद आ गई, दूसरे ठरकी के पीछे चल पड़ी। बस बस, अब बहुत हो गया। अगर हम सिनान को नहीं रोक सके तो क्या हुआ, हम डेफने को रोकते? दादी जान रुके, क्या है? मैं ये तुम्हारे सर पे मार दूंगी, मत रखो मुझे। साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल उसी के रास्ते पे चल पड़ी हो। हाँ,
तुम्हें लगा उसे आरास लड़की मिल गई है तो तुम जाके उस ठरके से शादी कर लोगी? जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम सब तुफैल को पागल कर दोगे। वो तो वैसे ही पागल है दादी, इससे ज्यादा और क्या होगा? उसे पागल करने वाला कोई और नहीं तुम ही हो। भाई मैंने क्या किया है? आप इस लड़की को देखें जरा, असल में तो तुफैल ने सबको पागल कर दिया है। तुफैल जानता है वो क्या कर रहा है। लड़की तुम जवाब दो, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें उस लड़के से कैसे प्यार हो गया है। हाय मुझे चक्कर आ रहे हैं। जवाब दो मेरी बात का, वरना मैं ये क्रेन तुम्हें सर पे मार दूंगी। बस बहुत हो गया, आज हम रिश्ता लेने जा रहे हैं ना, इन बातों का वक्त नहीं है दादी। अच्छा तो आज हम पूछने जा रहे हैं, फिर कल वो आकर पूछेंगे हमारे घर। ऐसा नहीं कहे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या डैफने के लिए भी आपका प्यार खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेरा उसके लिए प्यार खत्म हो जाएगा, वो भी प्यार करना भूल जाएगी। किसका हाथ मांगेगा दादी, आपका? बस अपना मुंह बंद रखो। अगर उन लोगों ने मुझसे इनका रिश्ता मांगा तो मेरा जवाब होगा कि ये आपकी ही हैं। और आप इन्हीं की उम्र की हैं? मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं कर रही। दादी एक बात बताएं कि सिराज साहब से अच्छा और कौन होगा आपके लिए? हाय चले दादी चले, देर हो रही है, मुझे फूल और चॉकलेट्स का इंतजाम करना है। अब चले नीचे चले। जब तक ये मेरी बात का जवाब नहीं देगी मैं नहीं जाऊंगी। आप चलेंगी दादी, जरूर चलेंगी, चाहे मुझे आपको गोद में उठा के लेके जाना पड़े। चले। डैफने तुफैल की फिक्र बिल्कुल ना करो, उसकी वजह से खुद को उदास ना करो, वो इसके बिल्कुल काबिल नहीं है। मेरी इजाजत लिए बगैर तो मेरे दफ्तर के अंदर कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं तुफैल, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई। जब तुम्हारा जवाब ही नहीं मिला तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें याद दिलाने आ जाऊं। याद दिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई अपना आखिरी फैसला सुना चुके हैं। ये फैसला कब सुनाया इसने, मुझे क्यों नहीं पता चला? सातिर, मैं तुम्हें अपना फैसला पहले ही सुना चुका हूं, बेहतर यही होगा कि बहस मत करो और जाओ यहां से। मेरे सामने बच्चों जैसी बातें मत करो तुफैल, तुम अच्छी तरह जानते हो फजूल वक्त बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। तो मैं अपनी जबान में समझाता हूं, तुम आकर मेरी बेटी का हाथ मांगोगे, जो दाग तुमने लगाया तुम ही धोगे उसे। शराफत से आकर उसका हाथ मांगो और शादी करो उससे, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। भाई रिलैक्स, क्योंकि मैं जानता हूं ये कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे यालिन के साथ घूमती हुई ना नजर आ। मेरी कॉल्स मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यशम और सिनान एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यानी अब फैसला मेरे हाथ में है। मैंने कल खुद यशम से तुम्हें ये कहते हुए सुना था, एक दिन आएगा जब मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तो खत्म करते हैं। हाँ, खत्म। सिनान, मैं तुम्हारे लिए घर से भाग कर आ गई हूँ।